हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले स्नैपशीट को ओपन कर लेंगे। स्नैपशीट को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे। जिस फ़ोटो को एडिट करना है उस फोटो को हम लोग यहाँ से सिंपली ले लेंगे। उसके बाद आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद नीचे आने पर विंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे नंबर से मिल जाएंगे तो हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन को ले लेंगे। उसके बाद सेचुरेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। उसके नीचे आने के बाद हम लोग इतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिंपली ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ऊपर तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वी एडिट पर क्लिक कर देंगे। विंटेज पर क्लिक कर देंगे। सिंपली ब्रश को ले लेंगे। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फोटो को जूम कर कुछ इस टाइप की ब्रश करनी होगी। सिंपली ओके करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद वाइट बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाला ऑप्शन को हम लोग बढ़ा देंगे, नीचे वाला को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ऊपर तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वी एडिट पर क्लिक कर देंगे। वाइट बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। सिंपली ब्रश को ले लेंगे। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फोटो को जूम कर कुछ इस टाइप की ब्रश करनी होगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद पेंसिल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे नीचे आने के बाद डबल एक्सपोजर्स पे क्लिक कर देंगे। प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक हम लोग यहाँ से एक पीएनजी ले लेंगे। पीएनजी को लेने के बाद ऐसे एडजस्ट कर लेने के बाद बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लाइटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सिंपली हम लोग यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, बिफोर आफ्टर। उसके बाद सिंपली नीचे तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग लाइटरूम ऐप में शेयर कर लेंगे। उसके बाद आपको ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल कर लेने के बाद लाइटरूम ऐप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑल फोटो पर क्लिक कर देंगे। इसमें हम लोग का फ़ोटो ओपन हो चुका है। उसके बाद फ़ोटो को ले लेंगे सिंपली। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सेकेंड वाला कलर को ले लेंगे हम लोग। उसके बाद एम्बियंस को बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को कम कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाला कलर को हम लोग पूरा बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग डन कर लेंगे। डन करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद हम लोग इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लैरिटी को हम लोग बढ़ा लेंगे। इसके नीचे वाला को भी बढ़ा लेंगे। इसके नीचे को हम लोग कम कर लेंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन पर चले जाएंगे। उसके बाद क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे। हाईलाइट्स को हम लोग कम कर लेंगे। शेडो को बढ़ा देंगे। वाइट्स को भी हम लोग कम कर लेंगे।
ब्लैक को इतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपली बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद देखिए दोस्तों बिफोर आफ्टर, उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ से शेयर कर लेंगे। शेयर करने के बाद सेव टू डिवाइस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपली ओके कर लेंगे।